सहारनपुर की नूरबस्ती गांव में आवारा कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा हो गया है कि दो मासूम बच्चियां इन कुत्तों का शिकार बन गई। लगातार निगम को दी गई शिकायतों और दो बच्चियों की मौतों के बाद भी निगम प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं सरकी। आवारा कुत्तों के आतंक और निगम के उदासीन रवैये से गुस्साए बस्ती वासियों ने आवारा कुत्तों को घायल कर पकड़ लिया और निगम दफ्तर के बाहर बांध गए। बस्ती वासियों की इस हरकत से डरे हुए निगम कर्मी दफ्तर छोड़कर भाग निकले। दूसरी ओर पीएएफ के चेयरमैन ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और एसएसपी से की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। देखिए, आज मेरे को अज्ञात लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से कुछ बताया कि नगर निगम में जो है कुछ जनता के लोग जो हैं वो आवारा कुत्तों को चारों पैर बांध करके और ज़बरदस्ती से मार रहे हैं और उनको वहाँ डाल करके सार्वजनिक स्थल पर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसका हम विरोध करते हैं। मैं पीएफए की ओर से श्रीमती मेनका गांधी से बात किया और उन्होंने कहा कि आप डीएम साहब को और कप्तान साहब को दोनों को तहरीर दे करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करें। वही अपील हमने लिखी है और आवारा कुत्तों के साथ में जो भी व्यक्ति उनको क्रूरता करता पाया जाएगा हम उसी के प्रति कार्रवाई करेंगे। देखिए, जहाँ पर अधिक समाज रहता है और वहाँ पर मीट मछली का ज़्यादा सेवन करते हैं वो उनको अलग अलग स्थानों पर फेंक देते हैं। मतलब हड्डियों को ज़मीन में दबा जाना चाहिए। अगर वो लोग शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारी हैं, तो उन हड्डियों को दबा दिया जाए ज़मीन में तो वहाँ के जो जनसंख्या कुत्तों की बढ़ी हुई है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे कि हिंदू समाज में इतना आवारा कुत्ता नहीं है और उनकी नसबंदीकरण करने का नगर निगम को पूर्ण अधिकार है और उसके आधार से वो नसबंदीकरण करा जाए ताकि जनसंख्या पर कम किया जाए।